सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएंगी। और हमने लास्ट ईयर इस टाइम क्या किया था, तो क्या चल रहा है भाई लोगों, सारा सीन आज पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने इस तरीके से ऐसे कैमरा ऊपर करके, ये फोन ऊपर करके व्लॉग बनाने के लिए शूट किया। तो वेलकम है आपका हमारे व्लॉग चैनल में। अभी तो मुझे लग रहा है इसको व्लॉग चैनल नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चैनल बोलना चाहिए मुझे इसे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आ जाती हैं जब कुछ होता है वीडियो लाइक। और लास्ट टाइम अक्टूबर में डाली थी मैंने, तो इस साल की पहली वीडियो है ये। तो इस चैनल पर भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। यार फिलहाल तो मेरी ऐसे बाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बताना ये कोशिश मुझे आगे करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मेरा जो ये है ना, ये माथा वाला पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो जब बाल बड़े हो जाते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा दिखने लगता है। वैसे इतना क्या ही फर्क पड़ता है, दिखाया तो होगा ही। वैसे मैंने तो अभी जस्ट मैं अपनी वीडियो फिनिश करके जो है आया हूँ, और ये इसकी टाइमलाइन है। और यार ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये पीछे जो बेल्ट के ऊपर मैंने ऐसे ये जो लाइट मारी है ये अच्छी लग रही है मुझे। अभी मुझे क्या करना है, अब मेरा टाइम है यहाँ से खा पी के जाने का। कहाँ जाने का? अच्छा बताओ जरा कौन सी बढ़िया लग रही है अभी देखने में, ये वाली या ये वाली? यार एक इतने टाइम से मैंने बहुत टाइम से इसे देख लिया ना, तो अब इसमें ज़्यादा मज़ा आता है गहराइयों से देखने में। तो वैसे तो मेरे पास इसी अपने कमरे में वहाँ पर है मेरा कंप्यूटर जो मतलब पूरा सेटअप है, लेकिन मैं वहाँ पे बैठ के वीडियो कभी बनाता नहीं। मैं बिल्कुल नीचे बैठ के वीडियो बनाता एडिट करने वाला प्रोसेस, तो मैं नीचे बैठ के बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के वीडियोस को एडिट करता हूँ। तो उससे ऐसा लगता है वहाँ बैठ के ऐसा लगता है बिल्कुल काम ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैजुअल वाइब आ जाती है मुझे। और ये मैंने पता नहीं किस ज़माने में बोला था कि मैं आपको अपना सेटअप टूर दिखाऊंगा, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, एक साल ऑलरेडी लग गया है, लेकिन आएगा। ये जितने बुरे बाल मेरे लग रहे थे ना इससे पहले वाली क्लिप में, उतने बुरे हैं नहीं, वो थोड़े से मैंने बिल्कुल ही बिगाड़ के रखे हुए थे। अभी भी कुछ नहीं किया, बस ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पीछे उसको बांध दिया, तो इतने बुरे नहीं लग रहे बाल। तो उन बालों के बेस पे जज मत करना, ये बताना मत कि बाल बढ़ाने चाहिए या नहीं, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बना दिया मैंने, लेकिन ऐसा ही है। तो भाई यार मेहनत बड़ी लगती है यार, सही में आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी लिटरली अपना सारा कंसंट्रेशन कहीं से लगा के कहीं में बीच में ऐसे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पीछे अपनी खड़ी है गड्डी, और समझ गए होगे शायद अभी तक आप लोग, जिम के लिए जा रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जिम जाने का मोटिवेशन है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं, जिम जाने पर जो फोकस है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है ब्लॉग बनाने के चक्कर में, तो इसलिए हिट लाइक। अभी मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या मैं जिम के अंदर भी कुछ शूट करने वाला हूँ, बट देखते हैं, सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएंगी। चलो भैया जिम से तो डन हो गया, और अलग अलग एंगल से जो मैंने वीडियो बनाई ना, इसलिए क्योंकि मैं क्रीप नहीं बनना चाहता जिम में, और इसलिए भी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूँ कि वो यहाँ पे आना चाहे, ठीक है? तो इतना ही था जिम का अपना। अब बाहर से आए हैं, जिम से आए हैं, तो चेहरे का तो ध्यान हमको रखना पड़ेगा, और सबसे पहला स्टेप होता है अपने फेस को क्लीन करना। लेकिन मार्केट में आपको पता है बहुत सारे फेस वॉश हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, आजकल विंटर से ड्राइनेस हो जाती है, चेहरे पर बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, इसलिए मामा अर्थ की तरफ से है मामा अर्थ का एलो जेंटल वॉश, जो कि जेंटल है और टॉक्सिन फ्री भी। इसमें एलोवेरा के साथ साथ ग्लिसरीन होने की वजह से पहले तो चेहरे को ये सूद करता है बहुत ज्यादा, और जो चेहरे का मॉइस्चर है उसको भी लॉक करता है। फेस तो आपका क्लीन हो गया, लेकिन साथ में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी, चेहरे की जो स्किन है एकदम सॉफ्ट भी होगी और मॉइस्चर भी रहेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको ये जेंटल वॉश लेना है, अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद धो लेना। और बेस्ट बात इसकी ये है कि आपका फेस का स्किन टाइप कोई भी हो, ये सबके लिए सूटेड है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसे जाके खरीद सकते हो, और 20% ऑफ लेने के लिए पंत 2024 कोड का यूज बिल्कुल करना मत भूलना, मामाअर्थ की एप्लीकेशन के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। एप्लीकेशन की बेस्ट बात तो है भाई, वहां पर आपको पहले से जो अर्ली सेल के एक्सेस है वो मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। बाकी अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और आपके नियरेस्ट स्टोर में तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ही। नेचर का भी भला हो रहा है भाई, क्योंकि जब भी आप मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसको लिंक किया जाता है ट्री से, तो आपके खरीदने की वजह से नेचर का भी फायदा हो रहा है। इंडियन ब्रांड है तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मामाअर्थ के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं केमिकल फ्री, तो आप लोग इसे सेफली यूज कर सकते हो। जाओ डिस्क्रिप्शन से अभी जाके खरीदो, कोड यूज करना भूलना। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इस चैनल पे जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरे को मेन चैनल पे भी देखते हैं, क्योंकि यहां पे जो ऑडियंस आई थिंक आई हुई है, आप लोग जो आए हुए हैं वो मेरे को मेन चैनल से जानते हो। और हमने लास्ट ईयर
इस टाइम क्या किया था जो कि इस चैनल पे भी कंटेंट आ रहा था वो था बैठक का। और मेरे को बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट पूछे, भाई इस बार रॉयल रंबल आ गई है, आपने बैठक के बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया। तो देखो ये तो कहना पड़ेगा कि इस बार जो सीन है वो ज़्यादा हॉट है, हॉट है इन द सेंस कि ज़्यादा गर्मी है थोड़ी WWE के अराउंड जो चीज़ें चल रही हैं, तो बढ़िया सीन है इस टाइम पर भी ऐसा कुछ करने का। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इस बार हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। और ऐसा ना करने के पीछे रीज़न है कि इवेंट जो है ना वो ऐसे बिल्कुल हलवे में मजाक तरीके से नहीं हो जाता यार, वो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और इस बार जो मैं चीज़ें कर रहा था अपने खुद की भी कुछ, तो उसकी वजह से इस चीज़ के लिए वो जो टाइम है वो नहीं मिला, क्योंकि इसको टाइम चाहिए होता है पूरा आराम से 1-1.5 महीने का, ठीक है। टाइम, पैसे, सर्विसेज, इधर उधर सब कुछ जो है देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको स्मूथली चलवाना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसके लिए लगती हैं। तो सही में मन तो अपन का भी बहुत था इस बार भी ऐसा करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयल रंबल के लिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या ये नहीं होगा मतलब आगे भी, तो ये मैं नहीं कह रहा। अभी जो मतलब कि यही रहता ना कि लास्ट टाइम जैसे किया, जैसे हमने पहली बार किया था जो रॉयल रंबल किया था, उसके बाद रेसल मैन के लिए किया तो वो और ज़्यादा अच्छा था, तो फिर इस बार करेंगे तो वो उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो उस वजह से वो सारा मामला जब सीन सेट नहीं है तो फिर मेरे को लगा नहीं कि जबरदस्ती कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आ रहे हैं ना, तो फिर उसमें फिर ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है और किसी का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। वैसे तो मेरे दिमाग में अभी बहुत सारी ऐसी चल रही है जो कि मेरे को बोल देनी चाहिए, लेकिन मैं अभी कुछ रीज़न की वजह से वो बोल नहीं रहा हूँ, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि फिर मैं अभी भी खुद अनश्योर हूँ कि वो चीज़ें वैसे चलेंगी या फिर नहीं। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग या इवेंटफुल चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा भी आगे, तो वो जब आगे की चीज़ होंगी तो उसके बाद आप और ज़्यादा ध्यान दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस बार रॉयल रंबल के लिए तो कुछ नहीं, ऑब्वियसली ये 2-3 दिन ही रह गए तो फिर इसमें वैसे भी अभी कुछ नहीं हो सकता था, बट अभी कुछ चल रहे हैं चीज़ें दिमाग में, वो शायद धीरे धीरे आपको आगे जाके चैनल पर पता लग जाएंगे। और बस ऐसा ही कुछ मैंने दिखाने की कोशिश करी यार कि क्या क्या अपने उसमें चलता रहता है। बाकी बताना आप आगे किस तरीके के और व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो वो सब मैं कर सकता हूँ। मामाअर्थ का एलो जेंटल वॉश जाके आप डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हो, कोड जरूर यूज़ करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल की हमारी लाइन रहती है तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता नहीं जिंदगी आप समझ ले लेगी। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रेगुलर डालूँ इस चैनल पे वीडियोस, बताना आइडियाज़।